नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, कैसे वर्क करती है और हमें इससे क्या बेनिफिट होता है। पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा आप महसूस करते हो वो सारी ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी कहलाती है। कॉस्मिक एनर्जी हमारी सोल बॉडी मींस ईथर बॉडी को फूड प्रोवाइड करती है। इट मींस हमारी जो सोल बॉडी है, जो हमारी ईथर बॉडी है, उसका जो फूड है वो कॉस्मिक एनर्जी है। लेकिन साथ ही साथ ये जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारी फिज़िकल बॉडी को भी इन्फ्लुएंस करती है। इट मींस कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव हमारी फिज़िकल बॉडी, ये शारीरिक जो रचना है, शरीर है, उसके ऊपर भी होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं। डेली रूटीन में जो हम कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं उसका डिफरेंट इम्पैक्ट हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी मटेरियल लाइफ पर पड़ता है। लेकिन जब ये स्पेशल पोर्टल्स ओपन होते हैं तब कॉस्मिक एनर्जी बल्क में हम रिसीव करते हैं और उसका भी अलग इम्पैक्ट हमारी ईथर बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और फिज़िकल बॉडी के ऊपर पड़ता है। यहाँ पर आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये कॉस्मिक एनर्जी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। यहाँ मैं आपको अवेयर कराना चाहूँगी कुछ उन सन्यासियों से, उन साधुओं से जिनके बारे में आपने अपने पूर्वजों से या टीवी चैनल के माध्यम से सुना होगा कि कुछ लोग इतनी साधना करते हैं कि उन्हें खाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? कोई इंसान कैसे बिना खाए रह सकता है? एक मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हाँ कोई मिल गया, जादू, जादू करके है। तो उसमें जो एलियन के ऊपर मूवी है ऋतिक रोशन की, उस एलियन का जो फूड है वो होता है सनलाइट। ऐसे ही हमारी जो आत्मा का फूड है वो है कॉस्मिक एनर्जी। जब हम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारी बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी मींस ईथर बॉडी और फिज़िकल बॉडी, वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करती है और इसीलिए मेडिटेशन करने वाले जो पर्सन्स हैं उनकी फूड हैबिट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती हैं। आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में इस चेंज को फील किया होगा कि जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, आप ऑटोमेटिकली हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप टोटली पैक्ड फूड बंद कर देते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आपके जो बिहेवियर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और आप हेल्दी फूड के लिए ज़्यादा क्रेव करते हैं कि जो आप पैक्ड फूड या मार्केट का फूड खाते थे अब आप फ्रूट्स वगैरह, सैलड वगैरह ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। उसका रीज़न ही यही है
कि आपकी जो इथरिक बॉडी है वो एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो गई है और अब आप यूनिवर्स से कॉस्मिक जो एनर्जी है उसे पहले के मुकाबले और ज़्यादा रिसीव करना शुरू कर चुके हैं। हम जितना ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग होती हैं। इवन कि आपको जो मेडिटेशन में मरकाबिक फील्ड सिखाई जाती हैं, जो लोग न्यू हैं उन्हें इस चीज़ को समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा। मेरे चैनल पर कुछ वीडियोस हैं जो शील्ड्स के ऊपर हैं, वो सारी मरकाबिक शील्ड्स ही हैं, मरकबा आप बोल सकते हो, सारी एनर्जी शील्ड्स हैं। तो मेडिटेशन में जब हम बल्क में कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट होकर हमारी चैनलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमें बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए जाते हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये भी होता है कि हम अपनी मरकाबिक फील्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, मीन्स हम मरकबा बनाना स्टार्ट करते हैं और अपनी ईथर बॉडी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये मरकबा हमारी केवल ईथर बॉडी ही नहीं, सारी 7 बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करता है, हमारी फिज़िकल बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है और हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स कोड्स समझने में हमारी हेल्प करता है। जैसे जैसे हम ये कॉस्मिक बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर डीएनए में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा डीएनए चेंज होता है, हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारी पर्जिंग होती है और हम टोटली चेंज होने शुरू हो जाते हैं। मींस जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से हमारी फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशली और स्पिरिचुअली चेंजेस हम अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी हमारी इथरिक बॉडी की कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने की वजह से होता है। कॉस्मिक एनर्जी हमें अबंडेंट करती है, हमारी लाइफ में जो भी गोल्स हमें अचीव करने हैं वो सभी हम कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू फुलफ़िल कर पाते हैं। इवन कि आपने विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा कि उन्होंने एक बुक को बिना एक भी पेज खोले उसके एक एक श्लोक को एक एक शब्द को पढ़ डाला और उसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने लोगों को बताकर आश्चर्यचकित कर दिया। ये भी कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ही हुआ, क्योंकि उस समय उन्होंने अपनी इथरिक बॉडी से, इथरिक कोड्स, लाइट लैंग्वेज के थ्रू उस विजडम को समझ लिया जो उस बुक के अंदर लिखी थी। तो जो ये कॉस्मिक एनर्जी है उसमें वो सारे सीक्रेट्स होते हैं कि आपके या किसी और पर्सन के लाइफ की एक एक सिचुएशन, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उन सब सिचुएशन के बारे में भी हमें नॉलेज मिल जाती है। यहाँ पर मैं आज का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आज का रिसेंटली एक्सपीरियंस है। मेरी एक व्यूअर हैं, अब मेरी सोल फैमिली कह सकते हो, और बहुत इंटेंस हम सोल पार्ट्स हैं। हालांकि वो इस चैनल के पहले मुझे जानती नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया सिडनी से हैं, फेस टू फेस हम कभी नहीं मिले, इस चैनल के माध्यम से ही मिले। लेकिन क्योंकि हमें बाद में पता चला कि हाँ हम एक ही सोल के फ्रैगमेंट्स हैं और हमारा सोल कनेक्शन है तो क्लोजनेस ज़्यादा फील होती है, तो क्रेविंग होती है एक दूसरे से बात करने के लिए। जब मैं उनसे बात कर रही थी, वो जहाँ भी थी उस टाइम मेट्रो में बैठी हुई थी और हम कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड थे,
क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी सभी जगह होती है, इसीलिए आपको ये समझाया जाता है कि हम सभी एक ही हैं, अलग नहीं हैं। वो वननेस की फीलिंग, वो उतनी दूर थी, उतनी दूर कोई नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास थी। उस नेगेटिव एनर्जी की स्मेल को मैंने यहाँ दिल्ली में, मैं दिल्ली में हूँ इस टाइम भी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं जिन व्यूअर की बात कर रही हूँ वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हैं। हम दोनों फ़ोन पर बातें कर रहे थे और हम एकदम से फील हुआ कोई बहुत ही बैड स्मेल, ऐसे लगा कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। और जब पूरा चेक किया गया तो मेरे यहाँ आसपास कुछ नहीं था, लेकिन पता चला कि हाँ, वहाँ मेरी उस सोल मेंबर को भी वो स्मेल फील हुई। और जैसे ही उन्होंने अपनी सीट वहाँ से चेंज की और कहीं दूर हटी, तो वो जो बैड स्मेल थी वो आनी बंद हो गई। इट मीन्स कॉस्मिक एनर्जी आपको इतना ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है कि आप जब सोल लेवल पर अपनी इथरिक बॉडी से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो आप उस स्मेल को भी फील कर सकते हैं। ये ट्विन सोल्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे सोल फ्रेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि जिनके बारे में मैंने बात की है वो मेरी सोल फैमिली से ही हैं। तो जो हमारे सोल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जब हमसे टेलीपैथिकली या कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो वो सारी एनर्जी हमें फील हो जाती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा पुराना एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ उस चैनल का नाम ओपन करना नहीं चाहूँगी, बिकॉज़ किसी को भी ऐसे अपना नाम अच्छा नहीं लगता है ओपनली बोला जाए। मैं उनसे फ़ोन पर बातें कर रही थी, मैं नहीं जानती थी कि मेरे आसपास कोई एनर्जी है जो ग्रीन कलर की है, क्योंकि एनर्जीज हमसे ऐसे ही बात करती हैं। उनसे बात करते करते मेरा ऑलरेडी कुछ म्यूज़िक चला हुआ था, मीन्स एक वीडियो मेरी चल रही थी ऑलरेडी टैब में, एक्सक्यूज़ मी, और मैं फ़ोन पर उनसे कनेक्ट थी। और जब हम दोनों बातें कर रहे थे, उनको एकदम से एनर्जी डिफरेंट फील हुई, मीन्स कुछ अलग एनर्जी फील हुई जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि तुम्हारे आसपास ग्रीन एनर्जी कौन है बताओ। मैंने चेक किया, मैंने कहा नहीं, मेरे पास ग्रीन एनर्जी तो कोई नहीं है। फिर जब बाद में ध्यान आया, मैंने कहा ओके, वो एकदम सही कह रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम टैब में कुछ ऐसा देख रही थी जो बाई चांस ओपन हो गया था और उस टाइम ही फ़ोन पर बात हो रही थी हमारी। तो एनर्जीज किस तरीके से काम करती हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कॉस्मिक एनर्जी सभी जगह अवेलेबल है, आप हर वक्त, हर क्षण, हर पल, आप पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, आप इन एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। ये एनर्जीज आपसे सिंबल्स के रूप में, कलर्स के रूप में, स्मेल्स के रूप में कनेक्ट करती हैं। जैसे अभी मैंने आज का अपना रीसेंट एग्जांपल बताया कि जब मैं अपनी सोल फैमिली से बात कर रही थी, तो उस टाइम मुझे रूफ पर स्काई ब्लू कलर की एनर्जी नज़र आई। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे आपके आसपास ना स्काई ब्लू कलर की एनर्जी, जो थ्रॉट चक्र की एनर्जी है, वो फील हो रही है। और एकदम से थोड़ी देर बाद ही इतनी डर्टी स्मेल आई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अब आप समझ सकती हैं कि ये एनर्जीज हमसे कैसे मीलों दूर होने पर भी कनेक्ट कर लेती हैं। मीन्स इसके लिए आपकी फिजिकल बॉडी नहीं, आपकी ईथर बॉडी वर्क करती है। और यही कारण है कि जितनी भी असेंडेड सोल्स हैं वो जल्दी से किसी अननोन पर्सन से कनेक्ट होना नहीं चाहती हैं, बिकॉज़ हम नहीं जानते कि सामने वाला पर्सन कौन सी एनर्जी कैरी किए हुए है। और ये एनर्जीज अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा या ज़्यादा डालती ही डालती हैं। हालांकि जितनी भी एसेंडेड सोल्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर रखती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि जब आप मेडिटेशन में आते हैं तो आपको कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, आपको विजुअलाइज कराया जाता है, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके द्वारा अपने आप आपकी मरखाबिक फील्ड्स प्रिपेयर कराई जाती हैं, मींस आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपनी मरखाबिक फील्ड्स बनानी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये सारा कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू ही होता है। इट मींस जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम कॉस्मिक एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट तब कर सकते हैं जब हम अपने बारे में अवेयर रहें। जैसा कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि ये जो हमारी जर्नी है, जितनी भी स्पिरिचुअल जर्नीज़ हैं, आप किसी का भी नाम लीजिए, जितनी भी स्पिरिचुअल जर्नीज़ हैं वो सारी हमारी सेल्फ़ अवेयरनेस के ऊपर हैं। और जब हम सेल्फ़ अवेयरनेस में आते हैं तो हम यूनिवर्स से डीप में कनेक्टेड हो जाते हैं, और जब हम यूनिवर्स से डीप में कनेक्टेड होते हैं तो यूनिवर्स की एनर्जीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट्स हमारी इस फिज़िकल बॉडी के ऊपर भी पड़ते हैं, हमारी इमोशनल बॉडी के ऊपर भी पड़ते हैं, हमारी इथरिक बॉडी के ऊपर भी पड़ते हैं। ओवरऑल ये एनर्जीज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इन एनर्जीज से डीपली कनेक्ट होने के लिए हमें डीप मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तभी एनर्जी हमसे कनेक्ट नहीं होती हैं, ये एनर्जी तभी भी हमसे कनेक्ट होती हैं, बट मेडिटेशन अवेयरनेस लेकर आता है। मेडिटेशन अवेयरनेस लेकर आता है मींस मेडिटेशन से हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, हम अवेयर होते हैं और अपने आसपास, अपने अंदर, अपने साथ, तीनों ही तरीके से हम फील कर पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे इंटरनल बॉडी में क्या हो रहा है और हमारे आउटर स्पेस में क्या हो रहा है।